आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं कैनवा के ऊपर। और कैनवा पे ये हम आए हुए हैं, ठीक है। कैनवा पे आने के बाद हम सबसे ऊपर वाले मेन्यू में से सिलेक्ट करेंगे सोशल मीडिया, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये तीन ऑप्शन आ रहे थे, पॉपुलर एंड इंस्टाग्राम फेसबुक। तो हम नीचे करेंगे तो ये हमारे पास डिज़ाइंस भी आ रहे होते हैं। आज हम बनाने वाले हैं फेसबुक सॉरी इंस्टाग्राम एड। इंस्टाग्राम ऐड मैंने ओपन कर लिया और इस तरह से हमारे पास ये इंस्टाग्राम का ऐड आ गया है। सो ये देखें हमारे पास इंस्टाग्राम का ये इस तरह से ऐड आ गया बना हुआ। हमें करना क्या है, इसको सिर्फ एडिट करना है। एडिट करके हम अपने बिजनेस या कोई भी प्रोजेक्ट के हवाले से इसको यूज़ कर सकते हैं। कितने सारे डिज़ाइन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से आप कोई सा भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक डिज़ाइन दिखा सकता हूँ, और जो हमारे पास यहाँ पे एक डिज़ाइन है वो भी हमें बनाना है। इस तरह आप मेरे देख रहे होंगे कि कितने सारे यहाँ मेन्यू आ रहे हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ से कोई सा भी एक मेन्यू सेलेक्ट करना है। यहाँ पे भी आपको ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी ऐड लगाना है आपको, इंस्टाग्राम पोस्ट लगानी है, या फिर आपने इंस्टाग्राम फीड लगानी है, इंस्टाग्राम लोगो लगाना है, या एनिमेट इंस्टाग्राम पोस्ट लगानी है, या एनिमेट इंस्टाग्राम पोस्ट लगानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट लगानी है, ऐड लगाना है, फॉलो अस लगाना है, इंस्टाग्राम स्टोरीज लगानी है। ये देखें मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे क्लिक किया तो ये देखें इस तरह से स्टोरीज बनेंगी, ठीक है। अभी हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम ऐड। तो मैंने इंस्टाग्राम ऐड पे क्लिक किया और ये हमारे पास इंस्टाग्राम के ऐड आ रहे हैं यहाँ पे। सो मैं ये वाला ऐड चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये ऐड आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। बिल्कुल भी पिक्सल वगैरह भी नहीं फटेंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है ये मेन्यू। सो ये देखें इस तरह से ये हमारे पास मेन्यू कंप्लीट तैयार हुआ हुआ आ जाता है। अभी हमें करना क्या होगा, इसका नाम वगैरह चेंज करना है। जैसे हमारा कोई नाम वगैरह है तो हम नाम यहाँ पे अपने पेज वगैरह का रख लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ इन्फिनिटी, मैंने इन्फिनिटी वॉरियर रख लिया, ठीक है। इस पे ये नाम रखने के बाद इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे, और इस तरह से करने के बाद हम इसको बोल्ड भी कर देंगे। सो ये हमारा इन्फिनिटी का बन गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको भी सही से नज़र आए। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ तो यहाँ पे मैंने टीम डिज़ाइनर लिख लिया। इसका अगर आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आके यहाँ से कोई सा भी कलर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड कलर रख दिया तो ये ज़बरदस्त भी लग रहा है। यहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फेसबुक लिखा तो ये देखें फेसबुक का हमारे पास आइकन आ जाएगा। सॉरी एलिमेंट पे जाना है, एलिमेंट पे जाने के बाद आपने लिखना है फेसबुक। तो ये आपने फेसबुक लिखा, यहाँ पे आपके पास फेसबुक का आइकन आ गया, ठीक है। ये आपके पास एक आइकन आ गया, आपने इस तरह से इसको यहाँ लेके आना है और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है। जितना हमारा ये लोगो बना हुआ है उसी हिसाब से आपने इतना करना है इसके बराबर, ठीक है। थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं इसको, और इस तरह से छोटा करने के बाद इसको हम लगा देंगे इसके अंदर। सही से हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। मैंने ये आपको एग्जांपल के तौर पे लगा के दिखाया, बट आप आपका अपना लोगो वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो आपका लोगो है वो आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना लोगो लगाना है, पेज वगैरह का नाम या जो आपका ब्रांड है उसका नाम लिखना है, नीचे यूज़र नेम जो है वो आप लिख लें, ठीक है। इस तरह से आपका ये कम्प्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास वीआर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है एजेंसी। तो यहाँ से आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी बल्कि ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा चल भी रही है डिजिटल मार्केटिंग। इसका हम थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं इस तरह से। तो इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। इसको हम जो है थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डाल देंगे इस पर इफेक्ट, और इसकी रेजोल्यूशन थोड़ा सा हाई कर देंगे, 93 मैंने कर दी इसकी, ठीक है। सो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसका मैं ये वाला रख लूँ कलर, और इसका जो है हम वाइट वाला कलर रख लेते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया।